ये हो क्यों नहीं रहा भाई? ये डमी रिमोट है, खोलो उसे। ये क्या किया तूने? मुझे पब्लिक टॉयलेट के उद्घाटन के लिए बुलाया? जैसे उसने होटल का उद्घाटन किया उसके सामने हमने टॉयलेट खोल दिया। जो वहाँ खाएगा वो यहाँ जरूर आएगा, तभी उनसे वोट ले लेंगे। भाई पहले जाएंगे, भाई पहले आप जाकर यूज करो। क्या यूज करूँ? क्या भाई, उसने होटल का उद्घाटन किया तो वो पहला कस्टमर था, यहाँ आपने उद्घाटन किया है तो आप पेट खाली कीजिए। मैं पेट खाली करके आया हूँ। भाई आपने खोला है तो कम से कम एक बार सुसु करने तो जाओ। सुसु करने तो ऐसे बोल रहा है जैसे जूस पीने बुलाया है मुझे। जानवर हो तुम लोग, कचरा कर दिया। भाई ऐसे नहीं मानेंगे। इस बार बहुत लगेगी। गरीबों का हमदर्द, आम आदमी का उम्मीदवार। सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वो दिल्ली को चैलेंज करेंगे तो मैं विदेश के प्रेसिडेंट को यहाँ से खड़ा खड़ा चैलेंज करूँगा। हम लोकल इलेक्शंस लड़ रहे हैं, विदेश का नाम क्यों ले रहे हो? तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो, मैं पुराना हूँ। जब हम दुनिया के दूसरे देशों की निंदा करेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हमारी सोच नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। सबको मिलेगा आराम से, आराम से दारू और बिरयानी खाओ, मगर वोट हमें डालो। वहाँ देखो, वहाँ देखो किस तरह उसके पार्टी के लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो उसके पार्टी के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। हम तो मैयत में भी बिरयानी खाते हैं, इलेक्शन में कैसे छोड़ दें? अरे गिर गया, गिर गया। अरे बाप, 25 साल से जो पार्टी की इज्जत बचा कर रखी थी उसे दारू और बिरयानी में उड़ा दी। उन्हें देखो वो कैसे नाच रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई देख रहा है, ये हमारी निशानी है, इसकी तो इज्जत रखो ना भाई। हमारे पार्टी के लोग वहाँ जाकर क्यों खा रहे हैं? हम भी तो उनको खाना दे रहे हैं ना भाई। यहाँ तो खिचड़ी और अचार है, वहाँ पर बिरयानी और दारू बट रही है। ओके, चुप। वो वहाँ से फ्री की बिरयानी देगा? खिचड़ी में अंडा डालकर लोगों को बिरयानी बोलकर बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई उसमें लेग पीस पड़ा है। मुझे यकीन नहीं। अरे क्या यकीन नहीं करोगे, मैं खुद खा कर आया हूं तो। क्या तू अभी तक मेरे साथ था, वहाँ कब जाकर बिरयानी खाया? सुसु करने गया था, वही एक दो प्लेट ठूस ली मैंने भी। सब कड़ मुझे मिले थे। सुन सीधा वहाँ जा और जाके उनको बोल। उनको जाके मारना है क्या? नहीं, मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी पार्सल लेके आ। हाँ, अगर टेस्ट करके अच्छा लगा तो वैसे ही हम यहाँ बनाकर अपने सारे लोगों को खिलाएंगे। हाँ, अगर यही चलता रहा ना तो पार्टी ऑफिस बंद करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी हो जाएगा। क्या कहा? ए, इलेक्शन कौन जीतता है? आप ही बताइए भाई। ये फैसला रिजल्ट के दिन होगा। जी भाई। हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन वोटिंग की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। देखो हम ही जीतने वाले हैं। देखना तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी, रिजल्ट देखने आया है। मुन्ना फैसला तो हमारे हक में ही होगा, हमने हर घर में 200 रुपए जो बांटे हैं और मैंने हर वोट के लिए 500 रुपए दिए हैं। चिरकोट ये क्या बोल रहा है, इसने एक वोट के लिए 500 रुपए दिए? बेटा वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने भी लिए ना। तूने वोट किसको डाला? चल अब बता भी दे। पहले राउंड के काउंटिंग के बाद सेलफोन चिन्ह वाली दिव्या शक्ति चप्पल के चिन्ह वाली अंजलि से 1500 वोटों से आगे चल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था चप्पल निशानी मत लेना, चप्पल निशानी मत लेना। देख लिया ना, पड़ गई ना वही चप्पल सर पर। और दो भाषण मुंह फाड़ के राशन के वादे हो गए। 13 राउंड के खत्म होने के बाद दिव्या शक्ति अंजलि से 5000 वोटों से आगे चल रही है। इसे 5000 वोट ज्यादा मिले। अरे उसके एरिया में वो आगे होगा ही ना, वैसे ही हमारे एरिया में हम आगे हो जाएंगे। अरे हमारे एरिया में भी वही आगे चला। बंद रख अपना, कब से देख रहा हूँ बकबक किए जा रहा है। कभी मेरी जगह पर आकर देखो तब पता चलेगा, दिमाग खराब करके रखा है। ए तू चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा यहाँ से, जा। बाप नहीं पाप है तू, बाप ऐसा होता है। दुश्मन से पैसे लेके वोट दिया उसको तूने, तू है तेरे जैसे पर। वोट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन में चप्पल चिन्ह वाली अंजलि और सेलफोन चिन्ह वाली दिव्या शक्ति में कांटे की टक्कर रही और अंजलि 7432 वोटों के साथ दिव्या शक्ति से जीत। मैं हीरो, तू जीरो, मैं
आज प्लीज बोलने दो मुझे, क्यों बहुत खुशी हो रही है जीतकर? मगर ये जीत तुम्हारी नहीं है, इसने तुम्हें जितवाया है। हम तो जीत रहे हैं, तो वोट बॉक्स बदलने की क्या जरूरत है? ये हमारी जीत के लिए नहीं, ये अंजलि को जिताने के लिए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? प्यार में वो हार गई, इलेक्शन में तो जीतने दो। अपने पापा को क्या जवाब देगा तू? पापा को पता नहीं चलना चाहिए, जा। खुद हार कर तुम्हें जितवाया है और तुम इसी को नीचा दिखा रही हो। पच्चीस साल से लगातार जीतने वाले इस परिवार को तूने हरा दिया नालायक। वो तुम पर भरोसा करके इस घर में आई और तूने उसे हारने कैसे दिया बेवकूफ? जवाब दे मुझे, बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ? ये क्या उसके दिल को दुखाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तूने? निकम्मे के ए, चुप रहो। हे, तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं हराया, मुझे इस परिवार के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। इतनी मेहनत से इस परिवार ने अपना नाम बनाया था और तूने उसे एक पल में मिटा दिया। आप एक इलेक्शन में हार गई ये सोचकर बहुत दुखी है ना? मगर मैं तो जिंदगी में हार गया पापा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों अपनी खुशी से यहाँ नहीं आए, झगड़ा करके आए। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे डिवोर्स चाहिए। हे भगवान! आपके कहने पर अपने परिवार का मान रखने के लिए और आपके सम्मान के लिए मैंने उस दिन इससे शादी की। लेकिन सच बताऊं तो मैं शादी करने के बाद उसके साथ खुश रहना चाहता था। अगर इसे मुझ में कुछ पसंद नहीं तो उसे बदल देता, मगर इसे तो मैं ही पसंद नहीं हूं। उस दिन इसकी जिंदगी खराब ना हो इसलिए आपने मुझे इससे शादी करने को कहा, मगर अब ऐसा लगता है मेरी शादी करने से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इलेक्शन जीतकर इस गांव में दुखी होकर जीने से अच्छा है डिवोर्स लेकर वो अपने शहर जाकर खुशी से जिए, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने ऐसा किया। पति और पत्नी को खुशी के साथ रहना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। बेटा ये तो क्या डिवोर्स की बातें कर रहा है? बेटी सुना तुमने, ये क्या कह रहा है? बेटी जल्दबाजी में तुम कोई फैसला मत लेना, कुछ दिन यहाँ रुक जा। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, जब तुम उसे जान जाओगी तो डिवोर्स की सोचोगी भी नहीं, मेरा यकीन करो, मेरी बात मान जाओ। हाँ, पिछले एक महीने से वो अपनी मर्जी के बिना मेरे साथ यहाँ रह रही है। बात सुनो बेटा, नई नई शादी में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। देखो माँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दीजिए। अगर फिर भी आपने हमें एक साथ जीने के लिए मजबूर किया तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। हाँ। सुनिए जी, आप कुछ कहिए ना इसे। मीनाक्षी, हमारा अब तक का हर फैसला गलत था, इन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, इन्हें अपने फैसले करने दो। बेटी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हमें कोई एतराज नहीं। मेरे कहने पर तुम एक महीने यहां आकर रुकी, ये रहा तुम्हारा डिवोर्स पेपर। क्या कर दिया?
क्या हुआ? क्या बताऊं? क्या हो रहा है ये सब? अब भला मैं क्या कहूं भाई साहब, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। मीनाक्षी क्या हुआ? अगर पता होता कि इसके मन में ऐसी कोई बात है तो मैं हाथ पैर जोड़कर भी किसी तरह से इसे ऐसा करने से रोक लेती। मतलब अब देखिए ना इसने ये क्या कर दिया। हे, क्या हो रहा है ये सब? जिस लड़की से प्यार किया वो नहीं मिली, जिससे शादी की वो भी नहीं मिली, तो सन्यासी बन गया। ए सुनो, तुम्हें बाहर बड़े साहब बुला रहे हैं, चलो आओ। कौन है वो? अरे तुम यहां भी? मैं जहां जाता हूं तुम वहीं पर क्यों चले आते हो? तुम्हारी पत्नी ने तुम पर 12 केसेस दर्ज किए हैं। उसने तुम पर इतने सारे केसेस दर्ज किए, बताओ तुमने ऐसा क्या टॉर्चर किया? उसने डिवोर्स मांगा और मैंने दे दिया। सुनो, मैंने डिवोर्स मांगा और तुमने दे दिया, मुझे समझा बुझाकर मनाने की बजाय तुम तो संन्यास लेकर बैठ गए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, और इसके लिए तुमसे भीख नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब बताओ मेरे साथ रहोगे या फिर जेल जाओगे? देखा सर, झूठी कंप्लेंट दी है इसने, पहले से जेल में बंद करो। तुम जेल जाओगे या मैं जाऊंगी, देखते हैं। सर इसे अंदर डालिए। देखिए, इसने इतना बड़ा ड्रामा मुझे जेल भेजने के लिए किया है। सर आपको तो इसे अरेस्ट करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ए, सर अगर इसी वक्त आपने इसे अंदर नहीं किया तो मैं हाई कोर्ट पे जाऊंगा। अगर तुम हाई कोर्ट जाओगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो करना है कर ले, देखता हूँ। साइलेंस। सुनो बैठो। हाँ। तुम भी बैठो। तुम दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो जो आगे चलकर बड़ी और बड़ी बातें बन जाती है। अगर ये तुम्हें बेवजह परेशान करता है तो तुम बेझिझक होके मुझे फोन करना, हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम दोनों नंबर नोट करो, 9840098456। एनी टाइम कॉल कर सकते हो। आप दोनों प्यार से अपने घर जाओ। इंस्पेक्टर जी सर, जरा गाड़ी में घर तक तो छोड़ाओ। ओके सर। हाँ, दोनों को समझा बुझाकर घर तो भेज दिया, अब इन दोनों की आगे की जिंदगी कैसी होगी चलिए मिलकर देखते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ तो सेल्फी ले लेते हैं। चेहरा तो देखो कैसे दिख रहे हो। तुम बिना नटखट हो, गुस्सा हो या रोमांस में मुझे उतार देता हूँ। सच कह रहे हो। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, आओ चलो मिलकर इसे यादगार बनाए। अब किसका फोन है? हेलो सर, डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। क्या डोसा सही नहीं बना इसलिए मारा? जरा फोन दो। सर शक्ति तुमने ऐसा क्यों किया? सर ये डोसा नहीं इडली है। इडली है? हाँ सर, डोसा मांगा तो इडली दे रही है सर। फोन दो उसे जरा। अरे दिव्या तुम ये क्या कर रही हो? सर डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। फोन दो उसे जरा। सर अरे ये क्या तुम डोसे को इडली बोल रहे हो? क्या मुझे डोसा और इडली में फर्क नहीं पता? कभी फोन फेंक देती है, कभी उसने प्लेट फेंक दी। सर मैं उसे मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना उसे, पत्नी तो मंदिर में रखी मूरत के जैसी होती है और पति उस मूरत का पुजारी, तो पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सर मैं तो पूजा कर रहा हूँ मगर वो मुझे मार रही है। सर जरा उसे फोन दो। लो बात करो। उसने तुम्हें मारा, फोन दो उसे। पत्नी दिया और पति बाती होता है, दिया जलाने से पहले उसमें तेल डालते हैं, अगर बिना तेल के जलाओगे तो नहीं जलेगा। झूठ कह रहा है। अभी फोन दो उसे। सर WWF की तरह मुझे मार रही है। अब हमें ही देख लो, हमारी शादी को 25 साल हो गए, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं उसे समझता हूँ, मुझे समझती है, अगर मूड ना हो तो किसी ना किसी तरीके से बना लेते हैं। हा? हा? अरे बाप रे, तुम लोगों की बातों में तो पूरी रात ही निकल गई। फोन रखो। मंजू आओ सेलिब्रेट करें। हाथ मत लगाना मुझे, तुम अपनी सालगिरह अपने पास रखो वरना चीर डालूंगी। हाँ पीछे मत आना, कह रही हूँ मैं। मंजू, मंजू तो मुझे छोड़कर चली गई। इसे गौर से देखो, इसके 3 साथी और हैं। जो सुना है क्या वो सच है? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई? नहीं, किसी भी तरह से छोड़कर नहीं गई, मैंने उसे तलाक दिया है।
हमें इन आतंकवादियों को पकड़ना ही है और इसीलिए आज स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है। हेलो मोटो। सुनिए मिस्टर, फोन रिसीव करो और कहो कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो सर, मैं दिव्या बोल रही हूँ। सुनो दिव्या, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। ना मुझे दो। सर मैं शक्ति बोल रहा हूँ। शक्ति, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। सर उससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, उसने उपमा में नमक नहीं डाला। उपमा में नमक नहीं डाला, ये भी कोई प्रॉब्लम है? सर इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और आपको कोई परवाह ही नहीं है, आपके पुलिस होने का क्या फायदा? मैं पुलिस वाला नहीं। भुंडा। मैंने तो सोचा था तुम दोनों साथ मिलकर रहोगे, लेकिन तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो। मैं रैपिड नहीं हूँ तुम्हारे खेल का। सर चाकू मार रही है। वो क्या तुझे चाकू मारेगी, मैं उसे भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा, जान से मारूंगा। सर वो टमाटर है। टमाटर क्या, मैं तेरे घर में बम फेंकूंगा। सर वो मुझे चटका दे रही है। वो क्या तुम्हें चटका देगी, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। गोलियां खत्म हो गई। दोबारा मुझे फोन किया तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा। आराम से सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कमिश्नर। यस सर। यू आर डिसमिस्ड। ए, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, सीधे सर के पास चला जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तुम क्या कंप्लेंट करोगे? कंप्लेंट मैं करूंगी तुम्हारी। ए, चल जाए यहाँ से, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे सर यहाँ पर इन्हें क्या हो गया? सर हम आप ही से मिलने आ रहे थे, मैंने आपको बताया था ना इसने क्या किया। आप जानते हैं इसने क्या किया? ए, चुप रहो सर, इसने ना। चुप हो जाओ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया जानते हो तुम? मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? तुम दोनों को एक करने के चक्कर में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैंने उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद भी मैंने सोचा चलो भाई पुलिस की नौकरी है तो खुशी खुशी जी लूंगा, और लोगों को तो ट्रांसफर मिलता है, पर तुम लोगों की वजह से मुझे डिसमिस कर दिया गया। एक बात कहूं, एक अकेला मैं क्या, मेरे जैसे 100 कमिश्नर भी तुम्हें एक नहीं कर सकते। आजा मेरे बेटा। ए तू यहाँ रुक क्यों गया? शेर को तूने जंगल में देखा होगा, फोटो में देखा होगा या फिर टीवी चैनल पर भी देखा होगा, और तो और तूने चिड़ियाघर में भी शेर देखा होगा, मगर क्या कभी तूने शेर को भीख मांगते हुए देखा है? सामने देख ले। माई कुछ खाने को दो, साहब कुछ पैसे दो। सुनो किसी पति पत्नी के झगड़े में मत पड़ना वरना तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। साहब कुछ पैसे दो, कुछ खाने को दो। ये रुक क्यों गया? पैसे दे। अरे पैसे दे, पैसे दे, नहीं पैसे दे, पैसे दे। अरे क्या कर रहे हो? झगड़े के चक्कर में मत पड़ना, पैसे निकाल, नहीं है पैसे, पैसे निकाल, पैसे मुझे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। अरे पैसे दे, पैसे। टकला पागल हो गया मगर मुझे मारना आज तक भूला नहीं है। लगता है सचमुच पागल हो गया। ये पागल हुआ नहीं है, तुम दोनों ने अपने झगड़ों से इसे पागल बना दिया है। इतना झगड़ने के बाद भी तुम लोगों ने ये बच्चे कैसे पैदा कर लिए? अरे वो ऐसा हुआ था ना, जब हम पहली बार लड़कर उसके पास गए थे, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, बेटा पैदा हुआ था, और जब हम 17वीं बार लड़कर उसके पास गए तो नौकरी से निकाल दिया था, तब बेटी पैदा हुई थी। वो 17वां नहीं 20वां झगड़ा था। नहीं वो 17वीं बार था, 20वां था। अरे मुझे मतलब ये तीसरे बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। ए दोस्त तू मेरी बात मानेगा या फिर इसकी बात मानेगा? भैया आप मेरी बात सुनेंगे या फिर इसकी बात सुनेंगे? ए तू मेरी बात सुन, तू मेरा दोस्त है, मेरी बात सुनेंगे है ना? ए तू मेरी बात सुनेगा? रुको रुको मेरी बात सुनो। शेर के मुंह में अपना सर देने वाला और पति पत्नी के झगड़े में टांग अड़ाने वाला कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता, सबूत है सामने, ये पगला टकला। चलो इसको, चलो। तुम्हें दोस्तों तुम्हें याद नहीं पति पत्नी का झगड़ा एक खेल की तरह है, तुम भूल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बस ऑडियंस बनकर इसका मजा लेना।